शहनाज काफी टैलेंटेड है, वो एक अच्छी सिंगर है, एक अच्छी डांसर है और एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी है। लेकिन अभी हाल ही में शहनाज का एक और टैलेंट पता चला है कि उन्हें हाथ भी देखना आता है। जी हाँ, शहनाज अब फॉर्चून टेलर बन गई है विशाल आदित्य सिंह की। जी हाँ, दरअसल बाहर गार्डन एरिया में बैठी शहनाज कहती हैं कि ला मैं तेरा हाथ देखती हूँ, और विशाल बड़े ही अच्छे बच्चों की तरह कहते हैं ला देख बता, और फिर शहनाज बताती है कि अपने दोनों हाथ सामने लेकर आ। विशाल उनकी बातों पर कहते हैं कि अभी तो तूने कहा था कि तू मेरा राइट हैंड देखेगी, और अभी ये सेम मुझे पता है कि तू चांद ही देखेगी। तो इस पर शहनाज कहती है कि सिर्फ देखने को ये चांद ही नहीं होता है, और भी बहुत सी चीजें होती हैं। शहनाज कहती है कि तेरी लाइफ में स्ट्रगल बहुत कम है, तेरी लाइफ में टेंशन भी नहीं है। शहनाज उन्हें बताती है कि उनके 5 बच्चे होंगे, उनका 3-4 बार एक्सीडेंट होगा, उनकी लाइफ में पैसे बहुत ज्यादा आने वाले हैं, उनकी लाइफ में सक्सेस भी बहुत होने वाली है, वो बहुत आगे तक जाएंगे। इस पर विशाल बताते हैं कि हाँ, मुझे बहुत ज्यादा कमाना है और यहाँ से जाने के सीधाबाद मैं सीधा अपने गांव का घर बनाने वाला हूँ। शहनाज बताती है कि तुम्हारी लव मैरिज होगी। विशाल कहते हैं कि मुझे तो शादी ही नहीं करनी, तुम लव मैरिज कहाँ से? शहनाज कहती है कि लव मैरिज ही होगी, तेरा शुक्र बड़ा ही स्ट्रांग है। इसके अलावा शहनाज कहती है अगर तुझे मुझ पे बिलीव नहीं है तो पारस से बुलवा ले, उसे देखना आता है हाथ। तो यहाँ पर पारस कहते हैं कि मुझे नहीं आता है। शहनाज बाद में बता देती है कि मैंने ये जो कुछ भी कहा तुझसे ये सब झूठ है, मुझे नहीं आता हाथ देखना। बिग बॉस के इस टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।